इंडिया लाइव न्यूज का हुआ शानदार उद्घाटन समारोह शनिवार रात नवी मुंबई के वाशी में इंडिया लाइव न्यूज के ऑफिस का ग्रैंड ओपनिंग था जिसमें बड़े बड़े लोग और सिनेमा कलाकार मौजूद हुए नवी मुंबई के किंग और सभी के चहिते गणेश नायक जी और उनके साथ उनके कार्यकर्ता और इंडिया लाइव न्यूज चैनल के चीफ एडिटर डी आर सोभान एडिटर मुमताज जवेरी महाराष्ट्र के शाखा लाइव अध्यक्ष श्री रहमान सैयद और नवी मुंबई के अध्यक्ष श्री अनीस खान और नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री चंद्रकांत देवलेकर नेशनल सेक्रेटरी श्री आरिफ तांबोली जी एक्ट्रेस राखी सावंत और एक्टर और प्रोड्यूसर नेहा बंसल अंकिता बांबुलकर एंकर और सीनियर क्राइम और बॉलीवुड रिपोर्टर श्री सचिन पटवा पत्रकार श्री अखिलेश सिंह फैजुल शेख शंकर भाई महेंद्र दत्ता शाहिद शेख अमरनाथ प्रसाद कमलेश भावसार जी स्टीविनसन बैडिगर और पूरी के पूरी इंडिया लाइव न्यूज़ की टीम मौजूद थे प्रोग्राम के आयोजक और इंडिया लाइव न्यूज के चीफ एडिटर कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे इंडिया लाइव 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 न्यूज की की पहल है शाखा जिस शाखा जिसमें गली गली जाकर वहां के लोगों की समस्या को सुनता है और गरीबों की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाता है गणेश नायक ने इंडिया लाइव न्यूज को शुभकामनाएं दी और कहा कि देश को इंडिया लाइव न्यूज जैसे चैनल की जरूरत है जो गरीबों की आवाज़ को दबाता नहीं बल्कि दुनिया के सामने रखता है मीडिया में स्ट्रीम है वो यदि स्ट्रीम बड़ा होता होगा तो हमेशा खुशी की बात होती है ये जो चैनल यहाँ पे शुरू हो रहा है कि आज ऐसे चैनल की सख्त जरूरत है आज समाज में पहले से दुख था लेकिन दुख लोगों के निगाह में नहीं आता था जिन लोगों के माध्यम से वो दुख को दूर करना था वो लोग उसके दुख को कम करते हैं क्या वो लोग ऐसे ही है रखते हैं इसका पूरा रिकॉर्ड या कोई उसकी इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचती है और इसलिए मीडिया तो पहले था अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का महत्व बहुत ज़्यादा है और मैं आज के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समाज में अच्छे गुणों को समाज के सामने लेके आ रही है और दुर्गुण को समाज से जो डुप्लीकेट माध्यम से जो ऊपर ऊपर आना चाहते हैं उनका पर्दाफाश करते हैं उसके लिए उनको धन्यवाद राखी सावंत ने भी इंडिया लाइव न्यूज़ को शुभकामनाएं दी और कहा कि उनको इंडिया लाइव न्यूज़ से बहुत सारी उम्मीदें हैं मैं बहुत ही बहुत ही खुश हूँ कि इंडिया लाइव न्यूज़ वाशी में शुरू हो चुका है और आज हम यहाँ पे इस चैनल के ओपनिंग के लिए आए हैं और मैं आपको बहुत ही बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपने एक बढ़िया सा न्यूज चैनल आ, मतलब डाला है खोल दिया है एंड वाशी के जितने भी लोग हैं उन सबको तो मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि अब यहाँ की जितनी भी अच्छी न्यूज़ें हैं वो हमें वाशी की पूरी इंडिया की सारी न्यूज़ इंडिया लाइव न्यूज़ पर देखने मिलेगी एंड आज मैं यहाँ पहुँची हूँ हम लोग आसाम में थे चुनाव में बट uh, मुमताज़ ने इतना बुलाया है के चुनाव छोड़ के हम लोग यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे ओपनिंग के लिए मैं आई स्पेशल आज इंडिया लाइव न्यूज की चीफ एडिटर डी आर शोभन ने बताया कि इंडिया लाइव न्यूज़ का आरंभ दो साल पहले हुआ था और इस उद्देश्य से हुआ था कि गरीबों की तकलीफों को आवाज़ मिले ये चैनल शुरू हो के आज के तारीख में दो साल हो गया दो साल से बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक ये मंच तक पहुँचा है पहले मेरा चैनल मानगुड़ में था डेढ़ साल तक वहाँ पे था उसके बाद यहाँ पे चालू हो गए कम से कम दो महीने हो गया हाँ जी बहुत मुझ स्ट्रगल करके गया हम लोग को इसके चैनल के साथ साथ एक शाखा भी है शाखा लाइव करके गरीब लोगों के लिए इस्लामी एरिया में रहने वाले लोगों के उनको तकली में हम लोग को भर हमारा इसमें लिखा हुआ है तो सच्चाई निरंतर निर्भय हम लोग वही हिसाब से काम कर रहे हैं जूटा काम नहीं कर रहे सच्ची कर रहे ये चैनल यहाँ के निवासी लोग के लिए हमेशा मदद मिलेंगे जो भी हमारे से मदद मांगेगा जरूर हम लोग जितना हो सके उतना मदद देंगे अब। इंडिया लाइव से से हमें अभी कम से कम दो हज़ार और भी बहुत लोग हम लोग इंडिया लाइव न्यूज के एडिटर मुमताज जवेरी ने बताया कि इंडिया लाइव न्यूज़ का सिद्धांत है सच्चाई निर्भय निरंतर उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया लाइव न्यूज़ से दो लोग जुड़े हुए हैं और वो चाहती हैं कि उनकी टीम और बढ़े मैं मुमताज जवेरी इंडिया लाइव न्यूज़ की एडिटर हूँ और हम लोग दो साल से इस में काम कर रहे हैं सोशल ईशूज़ और पॉलिटिकल्स क्राइम जो भी न्यूज़ होती है हम लोग कवर करते हैं और हमारा यही कहना है कि हम लोग से लोग जुड़े उनकी जो प्रॉब्लम है वो हम हो सके जितना हो सके हम लोग सॉल्व करेंगे और शाखा लाइव हमारा यही पब्लिक मूवमेंट है जो हम लोग ने स्टार्ट किया है पिछले एक साल से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं जो सोशल इश्यूज पे काम करता है शाखा लाइव जो एरिया एरिया में वार्ड वार्ड में जो लोग काम नहीं करते नगर सेवक है एम हैं एम है जो एरिया में काम नहीं करते तो शाखा लाइफ उन एरिया को कवर करता है जो गटर की समस्या है पानी की जो भी छोटी मोटी समस्या है जो नगर सेवक के हाथ में होती है वो कवर करता है शाखा लाइफ इंडिया लाइव न्यूज़ की तरफ से हम लोग यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाए करीब 2000 से ज़्यादा लोग हमारे से जुड़ चुके हैं और हमारे और लोग बहुत जुड़ना चाहते हैं और अभी ये प्रोग्राम होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं जुड़ने वाले हैं और मैं उनसे यही कहूँगी कि आ, आप जुड़े हमसे अपनी प्रॉब्लम बताएं हम हो सके जितना हो सके हम उनसे सॉल्व करेंगे जितना हो सके हम उनके लिए काम करेंगे जो न्याय नहीं मिला है उनके लिए न्याय दिलाएंगे ये जो टैगलाइन है हमारा सच्चाई निर्भय निरंतर ये इसी पर बेस है कि सच्चाई से हम काम करें निर्भय मतलब नीडर से किसी से किसी का डर ना हो उससे काम कर निरंतर मतलब कंटिन्यूशन ये सिलसिला यूँ ही चलता रहे उद्घाटन समारोह का अंत केक काटकर सोभान सर ने किया और उन्होंने अपनी टीम का आभार माना अनिला शेख इंडिया लाइव न्यूज मुंबई